उत्तर प्रदेश पुलिस में 40,000 पदों पर भर्तियां होंगी, 40,000 पदों पर। जी हां, चयन बोर्ड को। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, कल यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई वैकेंसी को लेकर उत्तर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों द्वारा ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया था। मिलियनों में 200 ट्वीट यहां पर किए गए थे, लगभग 2 मिलियन के आसपास ट्वीट किए गए थे। उसके बाद दोस्तों यहां पर बहुत बड़ी खबर आ रही है, छात्रों की जीत होती हुई नज़र आ रही है। छात्रों की मांग थी यूपी पुलिस की जो भी वैकेंसी है उसको लेकर एक क्लैरिटी मिले, और यहाँ पर आयु सीमा में भी छूट की यहाँ पर बात अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही थी। अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्हें कम से कम 4 साल की यहां पर छूट दी जाए, क्योंकि कोरोना काल में जो वैकेंसी थी वो नहीं आई है, जिसकी वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो ओवर एज हो गए हैं, तो इसलिए आयु में छूट मिलनी चाहिए। तो ज़रूर दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या यहां पर यूपी पुलिस का जो आने वाला विज्ञापन है उसमें छात्र छात्राओं को और जो अभ्यर्थी हैं उन्हें आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। यहां पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि 14 माह में 71,000 को सरकारी नौकरी यहां पर योगी सरकार के द्वारा दी जाएगी, तो बहुत अच्छी खबर है। कल छात्रों के द्वारा ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया था, जिसके बाद दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही है। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि यूपी पुलिस की जितनी भी वैकेंसी है उन्हें दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा, और कुल मिलाकर 71,623 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो भर्ती हैं वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पुलिस कांस्टेबल और दरोगा यानी कि एसआई के पदों पर जो भर्ती है वो यहाँ पर की जाएगी। लगभग 41,028 भर्तियाँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस में की जाएगी। आप सभी को यहाँ पर दोस्तों बताते चलें कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी विभागों से रिक्त पदों की भर्ती का प्रस्ताव आयोगों और चयन बोर्डों को भेजने का यहाँ पर निर्देश दिया गया था। तो उम्मीद दोस्तों यही है कि आने वाले जो दिन है 1 से 2 महीने के अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो विज्ञापन है वो आ जाएगा। इससे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी करते रहें। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।